हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। बॉलीवुड में इन दिनों फिल्मों की कहानी की चोरी करने का आरोप लगा है। हाल ही में अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड और आयुष्मान खुराना की फिल्म बाला इसी के चलते सुर्खियों में आई थी। वहीं अब लीजिए संजय और अर्जुन कपूर की फिल्म पानीपत पर भी कहानी की चोरी करने का आरोप लगा है। वहीं अब फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, प्रोड्यूसर रोहित शेलादकर और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। रिलायंस एंटरटेनमेंट को ये नोटिस मिल चुका है, हालांकि इस बारे में कोई भी कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। फिल्म पर लगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी के आरोपों के मुताबिक ये मामला 2 साल से भी ज्यादा पुराना है, जब फिल्म के प्रोड्यूसर रोहित पानीपत की तीसरी लड़ाई पर लिखे गए नॉवल पानीपत के लेखक विश्वास पाटिल से मिले। विश्वास पाटिल का अब दावा है कि फिल्म पानीपत का पूरा प्लॉट उनके नॉवल से पूरा का पूरा उठा लिया गया है। यही वजह है कि विश्वास पाटिल ने अब बाकायदा आर्थिक नुकसान की भरपाई का मुकदमा दर्ज कर दिया है और फिल्म पानीपत के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, प्रोड्यूसर रोहित और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट को नोटिस भेज दिया है। नोटिस में विश्वास ने इन लोगों से 7 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करने को कहा है। बताते चले कि विश्वास पाटिल के लिखे नॉवल पानीपत के अब तक मराठी में 40 से ऊपर वर्जन पब्लिश हो चुके हैं। वहीं पानीपत का हिंदी वर्जन भी काफी पॉपुलर रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी फिल्म को लेकर किसी तरह का विवाद खड़ा हुआ हो। उससे पहले भी संजय दत्त के अहमद शाह अब्बाली किरदार को निभाए जाने पर कुछ अफगानियों ने सवाल खड़े कर दिए थे। उनका कहना था कि अहमद शाह अब्बाली के किरदार को फिल्म में गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। बता दें कि फिल्म में अर्जुन कपूर, कृति सेनन और संजय दत्त इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आने वाले हैं। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि पानीपत के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर या फिल्म की डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी रिलायंस एंटरटेनमेंट कब तक चोरी के आरोपों पर अपना रिएक्शन देते हैं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।